गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। अब तक हमने जाना कि बर्ड्स के कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं और ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं उनकी बॉडी में जो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं, उनके विंग्स का शेप कैसा होता है और उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनकी बीक का शेप और साइज़ क्या होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देयर क्लॉज एंड फीट। सभी बर्ड्स के टू लेग्स एंड फीट होते हैं। बर्ड्स अपने लेग्स का यूज़ अपने फूड को या शिकार को पकड़ने में, उसे खाने में, वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लाइंबिंग में और पर्चिंग यानी पेड़ों की डालियों को पकड़ने में यूज़ करती है। सभी बर्ड्स के फीट का शेप और साइज़ एक जैसा नहीं होता। उनके ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उनके पैरों का साइज़ और शेप डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्ड्स ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले बर्ड्स के, जैसे वल्चर्स, आउल्स, हॉक्स, काइट्स एंड ईगल्स, इनके स्ट्रॉन्ग और नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं जिन्हें टैलॉन्स कहते हैं, जो इन्हें मांस को फाड़ने में या तोड़ने में मदद करते हैं। इनके तीन टोज या अंगूठे सामने की ओर और एक पीछे की ओर होता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक बर्ड ऑफ प्रे का क्लॉ है। इनके सामने तीन टो हैं और पीछे एक टो है। इनके सारे नाखून घुमावदार और नुकीले हैं, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनका फ्लैश नोचते हैं। नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स। इनके क्लॉज लंबे, पतले और नुकीले होते हैं, जिनसे इन्हें पेड़ों की डालियों को पकड़ने में आसानी होती है। इनके पैरों में सामने की ओर तीन टोज और एक टो पीछे की ओर होता है। ऐसे टोज एंड फीट वाले बर्ड्स को पर्चिंग बर्ड कहा जाता है। ये बर्ड्स के नाखून इतने आराम से पेड़ों के डालियों को पकड़ लेते हैं कि ये पेड़ों पर सो भी सकते हैं बिना गिरे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रोज, स्पैरो एंड मैना। यहाँ पर एक क्रो के फुट का पिक्चर दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि इसके मुकाबले ये पैर कितने पतले हैं। इनके नाखून भी छोटे हैं और घुमावदार हैं, जो डालियों को पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। हेन जैसे बर्ड्स ज़मीन को स्क्रैच करके यानी खरोच कर छोटे छोटे इंसेक्ट्स और सीड्स खाते हैं, ठीक है, जो ज़मीन में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी बर्ड से इनके पैर काफ़ी मजबूत और मोटे होते हैं। इनके सामने तीन टोज होते हैं और पीछे एक टो होता है, जिससे इन्हें ज़मीन को खुरचने में आसानी होती है। ऐसे बर्ड्स को स्क्रैचिंग बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो अपने टोज के सहारे पेड़ों पर चढ़ते हैं, उन्हें हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैरट्स, वुडपैकर। इनके फीट में आगे की ओर दो टोज होते हैं और पीछे की ओर दो टोज होते हैं, जो इन्हें पेड़ों की स्टेम पर पकड़ बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आगे दो टोज और पीछे दो टोज होते हैं, जिससे ये बैलेंस बनाए रख सके और पेड़ों से फिसल कर गिरे नहीं। ये आसानी से पेड़ों के स्टेम पर चिपके रह सकते हैं अपने क्लॉज के सहारे। नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स। पानी में तैरने वाले बर्ड्स को स्विमिंग बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डक्स, पेलिकन्स, स्वान्स एंड पेंगुइन्स। इनके फ्रंट में थ्री टोज और पीछे एक छोटा टो होता है और टोज के बीच में हार्ड स्किन पाई जाती है, जो इनके पैरों को एक स्पाइडर के वेब जैसा लुक देती हैं। जो मकड़ी का जाला होता है, उनका शेप आपने देखा होगा, ऐसा ही कुछ होता है। इसीलिए इन्हें वेब्ड फीट कहते हैं। ऐसे फीट पानी में पतवार की तरह बर्ड्स को तैरने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, यानी ऐसे बर्ड्स जो पानी में चलते हैं उन्हें हम वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेन्स, स्टॉर्क्स एंड हेरॉन्स। इनके लेग लंबे और पतले होते हैं जो इन्हें कम पानी या मड में चलने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग लेग की वजह से जब ये पानी में चलते हैं तो इनके विंग्स भीगने से या गीले होने से बच जाते हैं। इनके फुट में सामने की ओर 3 toes और एक पीछे की ओर टो होता है। नेक्स्ट इज रनिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो अपने भारी और बड़े शरीर की वजह से उड़ नहीं सकते, उनमें बहुत तेज़ दौड़ने की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे बर्ड्स को रनिंग बर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के पैर बहुत मजबूत और लंबे होते हैं। इनके फीट में केवल 2 ही toes पाए जाते हैं और इनके टोज कुशन लाइक यानी नीचे से गद्देदार होते हैं, जिससे ये डेजर्ट्स में आसानी से दौड़ सकते हैं और इनके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। ज़्यादातर ऑस्ट्रिच डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ये दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस अबाउट नेस्ट ऑफ बर्ड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay at home and keep studying. Thank you for watching.